आज हम करने वाले हैं अपने इस अरेका पाम की रिपोर्टिंग। काफ़ी टाइम से ये पौधा इस पॉट में लगा हुआ है और ग्रोथ इसकी बिल्कुल रुक चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी रूट जो है बाउंड हो चुकी हैं। वैसे भी इस तरह के पौधों की रूट जो होती हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और कुछ ही टाइम में पूरे पॉट को कवर कर लेती हैं। तो चलिए ये देखिए, रूट बिल्कुल जो है नीचे साइड बढ़ रही थी और इसमें बिल्कुल बाउंड हो चुकी हैं। और इसमें जब मैं इसमें लाया तो इसमें चार पांच पौधे थे, तो अभी मैं करूँगा कि इसमें जितने भी पौधे हैं सबको अलग अलग प्लांट में लगा दूंगा, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो सकेगी। एक पौधों के मैं एक ही प्लांट में लगाऊंगा, तो इस तरह से मेरे पास अभी पांच प्लांट निकले हुए हैं और पांचों को मैं अलग अलग लगाऊंगा। सबसे बड़ा वाला जो प्लांट है उसको मैं इस बड़े वाले पॉट में लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद जिस तरह के साइज में पौधे निकले हुए हैं उसी तरीके के मैंने गमलों का चयन किया हुआ है। मीडियम साइज के जो पौधे थे उनको मीडियम साइज का मैंने पॉट दिया हुआ है, और दो देखिए छोटे बिल्कुल रखे हुए हैं प्लांट मेरे, तो उनको मैं दो छोटे छोटे पॉट रखे हुए हैं इनमें मैं लगा दूंगा। सेपरेट करने की वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पॉट में जब चार पांच पौधे होते हैं तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है अपने आप को बढ़ाने की। तो जिस तरह से कुछ पौधे अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं कुछ नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जब एक पौधा एक ही पॉट में लगा होगा तो सारा न्यूट्रिशन जो है उस पॉट का उसी को मिलेगा और उसकी ग्रोथ जो है अच्छी रहेगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं थी और गमले भी नहीं थे, तो मैं अभी फिलहाल में इन पौधों को इन्हीं छोटे छोटे पॉट में लगा दे रहा हूँ। जब ये पौधे सेटल हो जाएंगे तो इनकी इनको निकाल के मैं बड़े बड़े पॉट में कर दूंगा, और देखिए एक पौधे से मेरे पांच पौधे निकल आए हैं।